पत्थर तब तक सलामत है जब तक वह पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वह पेड़ से जुड़ा है। और इंसान तब तक सलामत है जब तक वह परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। कुदरत के भी अपने अलग ही अंदाज हैं। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। संसार चलाने के लिए दिया देवताओं को तो उनसे भी मोक्ष छीन लिया, दिया मोक्ष निराकार को तो उनका आकार ही छीन लिया। मत करना गुरूर अपने आप पर है इंसान, ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया। हर इंसान की अपनी अलग अलग मानसिकता है, कोई बहुत अच्छा है तो कोई बहुत बुरा है, कोई पुण्य करने में अपनी शान समझता है तो कोई पाप करके अपना मनोरंजन करता है, कोई दूसरों की थाली में से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। धरती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो, और धरती पर कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी, ईमानदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। इसलिए रिश्तों में सच्चाई, स्वभाव में गहराई और दिल में ईमानदारी बनाकर रिश्तों में ढलना सीखें। एक जैसी ही दिखती थी माचिस की वो तीलियाँ, कुछ ने दिए जलाए तो कुछ ने घर, कुछ ने महकाई अगरबत्तियाँ मंदिरों में तो कुछ ने सुलगाए सिगरेट के कश, कहीं गरमाया चूल्हा और बनी रोटियाँ तो कहीं फटे बम और बिखरी बेटियाँ, जली कहीं शादी में बनकर हवन कुंड की अगन तो जलाई गई दहेज की कमी से कोई सुहागन, काजल कभी नवजात शिशु का बनाया तो शमशान में किसी चिता को जलाया। एक सी दिखती थी माचिस की वो तीलियाँ,
पर सभी ने अपना एक अलग ही रंग दिखाया।